हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं जितेंद्र जेपी मोबाइल केयर से। दोस्तों, आज आपके लिए एक हम फ्री टूल लेकर आए हैं। तो फ्री टूल में क्या मिलेगा आपको, देखो इसमें बिट मैप, स्कीमेटिक डायग्राम और हार्डवेयर सॉल्यूशन, यानी जैसे बोर्नियो है ना, बिल्कुल बोर्नियो जैसा सेम टू सेम है। लेकिन बोर्नियो में थोड़ा क्या है कि वो पेड है और ये आपको फ्री में मिलेगा। अभी तो फ्री में है, आगे पता नहीं इसका एक्टिवेशन चार्जेस लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो आप इसको जब एक्टिवेशन कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तो आपको एक साल के लिए तो फ्री मिल जाएगा। बाकी इसमें नए नए अपडेट आते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आप में इसको मिलती रहेंगी। इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर क्या है कि इसमें आपको पीसीबी मल्टी लेयर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसका प्रोसेस चल देख लीजिए आप कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद कैसे इसको रजिस्टर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का अगर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है ये सॉफ्टवेयर, तो इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लें। मेरे में तो ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो इसको जब तक आप करोगे नहीं इंस्टॉल, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको मस्ट बिल्कुल इंस्टॉल कर लें। देखिए, हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, हमारा टूल है वो जो इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको फिनिश पर क्लिक करेंगे। और अपने टूल को हम रन करेंगे। देखिए, हमारा टूल रन हो गया। तो अब इसमें क्या है, इसको यही थोड़ा सा मेन प्रोसेस है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देख लेना एक बार इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले यूज़र नेम में हमें कोई भी अपना एक यूज़र नेम डाल देना है। आप अपना कोई भी एक यूज़र नेम डाल दें। तो चलिए, मैं इसमें सबसे पहले यूज़र नेम डाल देता हूँ। और नीचे अपनी ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी के नीचे अपना पासवर्ड। और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए, रजिस्टर्ड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ओके करेंगे और थोड़ा बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे। इसमें वही ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्टर करने के टाइम पर डाला था, अदरवाइज आप दूसरा डालोगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। तो अभी कुछ ही सेकंड में हमारा टूल ओपन हो जाएगा। भाई, ये थोड़ा सा यहाँ ओपन होने में कुछ सेकंड का टाइम लेता है।
जी देखिए हमारा टूल ओपन हो रहा है। एक्सेप्ट क्लिक कर देंगे और हमारा टूल प्रॉपर ओपन हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में इसके फंक्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा ये मोबाइल हार्डवेयर और सेकंड पे देखेंगे तो स्कीमेटिक और डाटा शीट मिलेगी इसमें आपको। तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको पीसीबी बिट मैप और फोर्थ नंबर पर मिलेगा आपको मल्टी लेयर पीसीबी मल्टी लेयर। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ फास्ट फॉरवर्डिंग करूँगा क्योंकि वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप मैं फास्ट फॉरवर्डिंग में आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगा इसमें, तो आप देख लेना किसके अंदर क्या क्या चीज़ हमको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों दिखा देते हैं आपको इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिलने वाला है, कैसा बिट मैप है, कैसा हार्डवेयर है और कैसा आपको इसमें स्कीमेटिक मिलेगा।